हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मेरा नाम है रवि चौहान और स्वागत करता हूँ आपका हमारी मैट्रिक सीरीज़ में, जिसमें हम सीबीएसई टेंथ क्लास के मैथमेटिक्स की हर एक प्रॉब्लम को सोल्व करने जा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 जो कि सिर्फ 5 मिनट का है, वो आप ज़रूर देख लें इस वीडियो को देखने से पहले। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। क्या करना है, एक ही क्वेश्चन दे रखा है, एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बोल रहा फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, हमें इसकी जीरोज निकालने हैं। और क्या करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशियंट्स। और आपको जीरोज और कोफिशियंट के बीच का रिलेशन निकालना है। वो कैसे निकालेंगे देखते हैं। जीरोज निकालने के लिए सबसे पहला काम आपका एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो, जीरो पुट कर दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, रफ साइड में जो कांस्टेंट है हमारा ये, और जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट है, उन दोनों की मल्टीप्लाई करो। ये माइनस 8 और एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट 1, माइनस 8 इंटू 1 क्या आया, माइनस 8 आया, ठीक है, माइनस 8। और x का कोफिशियंट जो है वो यहाँ लिख लो, माइनस 2, माइनस 2 लिख लिया। एक हमारे पास माइनस 8 है, एक हमारे पास 2 है। तो अब आपको क्या करना है, आपको दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन तो ये आए माइनस 8, और जिनको सिंप्लीफाई करें तो माइनस 2 आए। जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 8, जिनको सिंप्लीफाई करें तो माइनस 2। तो वो हमारे नंबर होते हैं कौन कौन से, माइनस 4 एंड 2, ये आते हैं ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, माइनस 8 आएगा। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे माइनस 4 प्लस 2 करके, माइनस 4 प्लस 2 तो क्या आएगा, माइनस 2 आएगा। दो नंबर मिल गए हमें। अब इन दो नंबर्स का क्या करना है, ये आप एज इट इज लिखोगे एक्स स्क्वेयर। अब ये जो दो नंबर्स हैं माइनस 4 माइनस 2, इनके साथ एक्स लगा के आप यहाँ लिख दोगे। कैसे, माइनस 4 आया था एक्स और प्लस 2 आया था, इसके साथ भी एक्स, और माइनस 8 इक्वल टू ज़ीरो। क्या किया हमने, ये दो नंबर ढूंढे, माइनस 4 2, माइनस 4 के साथ एक्स लगाया, 2 के साथ एक्स लगाया, और दोनों को यहाँ लिख दिया, लिख दिया। उसके बाद क्या करना है आपको, इन दोनों पहले दो जो टर्म्स हैं उन दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है। एक्स इसमें भी, एक्स इसमें भी, एक्स कॉमन है, कुछ और तो नहीं है। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बचेगा हमारा माइनस 4, ठीक है, प्लस। आप क्या काम करो, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट आप उठा के यहाँ लिख दो, x माइनस 4, लिख दी ब्रैकेट उठा के। अब ये देखो ये x इसके साथ क्या गायब है, 2 गायब है, तो प्लस 2 आप यहाँ लिख दो, इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। आपने क्या किया, एक पॉलिनोमियल था उसको जीरो के इक्वल पुट किया। जीरो के इक्वल पुट करने के बाद हमने ये कांस्टेंट और एक्स स्क्वेयर के कोफिशियंट की मल्टीप्लाई की, माइनस 8 आया, और ये एक्स का कोफिशियंट हमने यहाँ लिखा। फिर उसके बाद हमने दो नंबर्स ऐसे ढूंढे जिनकी मल्टीप्लाई ये आए, जिनकी सिंप्लीफिकेशन ये आई, तो माइनस 4 और 2। माइनस 4 और 2 को आप यहाँ लिख दो, माइनस 4 2 विद एक्स, एक्स लगा के इनके साथ। उसके बाद फर्स्ट दो टर्म्स में से कॉमन देखो क्या है, फिर ये जो ब्रैकेट है वो एज इट इज़ यहाँ लिखो। फिर ये देखो x, x ये रहा, इसके साथ क्या नहीं था, प्लस 2 नहीं था, तो प्लस 2 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, दो कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया x माइनस 4। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x माइनस 4 इसमें भी है, x माइनस 4 इसमें भी है, तो x माइनस 4 कॉमन लो और एक लो x प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो किया ये। उसके बाद एक बार तो x माइनस 4 को आप 0 के इक्वल पुट कर दो, एक बार x प्लस 2 को आप 0 के इक्वल पुट कर दो, तो यहाँ से x की वैल्यू एक आ जाएगी 4, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। ये तो हमारे आगे जीरोज, दो जीरोज, ठीक है, ये तो काम किसका था, जीरोज का। उसके बाद ये बोल रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट्स। वो कैसे वेरीफाई करते हैं, आप इन दोनों का सम निकालो, और हमने जो लास्ट लेक्चर में जो फार्मूला पढ़ा था उससे सम निकालो, क्या वो दोनों बराबर आ रही, ये चेक करना है। फिर मल्टीप्लाई करो इन दोनों की, और फिर जो फार्मूला लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में जो फार्मूला पढ़ा था उससे आप मल्टीप्लाई कर
निकालो, क्या वो दोनों सेम आ रहे? तो चेक करते हैं, देखो क्या है, इसको अब हम मिटा देते हैं। सम सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या आएगा? 4 माइनस 2 कितना आ गया? 2। सम यही आ जाएगा ना, एक 4 है एक माइनस 2 है, दोनों का सम करोगे तो माइनस 2 आ जाएगा। और हमारा फार्मूला क्या था? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। देखो माइनस बी बाई ए के इक्वल है क्या? बी तो हमारा ये है और ए इसका कोफिशियंट है, माइनस 2 बाई 1। देखो क्या आएगा, माइनस बी की वैल्यू है हमारी माइनस 2, माइनस 2 बाई 1, ये भी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, वेरीफाई हो गया। इन दोनों का सम किया तो भी ये आया, और हमने फार्मूले से किया तब भी यही आया। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन देखो, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आप, 4 इंटू 2 माइनस 8, और c बाई ए कैलकुलेट करो, c बाई ए के इक्वल है ना, माइनस 8 बाई 1 माइनस 8। ठीक है, ये आपको वेरीफाई करना था, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड पर, सभी के सभी आपने ऐसे ही करने हैं। इसके आपको कितने पार्ट हैं? 6 पार्ट हैं। जो सेकंड है वो है ये 4s² - 4s + 1, सेकंड है 4s² - 4s + 1। ठीक है, तो वही काम करना आपने। सबसे पहले तो क्या करना है, जो कांस्टेंट है और जो ये एस स्क्वेयर का कोफिशियंट है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। 1 × 4 क्या आया? 4 आया, और जो एस का कोफिशियंट है बीच वाला वो लिख लो, -4। तो अब आपको दो नंबर कोई ऐसे ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और जिनको सिंप्लीफाई करें तो -4 आए। ऐसे कौन से में दो नंबर, सोचो थोड़ी देर, क्या है? जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, जिनको सिंप्लीफाई करें तो -4 आए। तो कौन कौन से वो दो नंबर? -2 और -2। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे +4 आएगा, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे -4 आएगा। तो आपको क्या कर देना है, इसको कर दो = 0। ये जो 4 है बीच वाला, इसकी जगह आप ये लिख दोगे -2 - 2, पहला एज इट इज, फिर इसकी जगह लिख दोगे -2s - 2s, फिर +1 = 0। लिख दिया, ये जो बीच की टर्म थी इसकी जगह हमने ये दो टर्म लिख दी, -2 - 2। अब उसके बाद फर्स्ट में से देखो क्या कॉमन आएगा, एक तो 2 कॉमन है, एक s कॉमन है, है कॉमन। यहाँ क्या बचा हमारा? 2s, यहाँ क्या बचा? -1। उसके बाद यही ब्रैकेट में यहाँ लिख देता हूँ 2s - 1। अब देखो s ये रहा, 2 ये रहा, 2 ये s ये रहा, इसके साथ क्या नहीं है? माइनस नहीं है, तो माइनस यहाँ लिख दो आप, -1। ठीक है, इसको = 0। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है? एक ब्रैकेट 2s - 1 दोनों में है, ब्रैकेट कॉमन आ गई तो बचा क्या? ये 2s बचा, ये -1 बचा, 2s - 1 बच गया = 0। एक बार इसको 0, एक बार इसको 0 कर दो, 2s - 1 को 0 कर दो, यहाँ से s की वैल्यू 1/2, यहाँ से भी आप 2s - 1 को = 0 करोगे तो s की वैल्यू 1/2, ये चीज़ आ गई। ठीक है, उसके बाद आपको फिर वेरीफाई करना है, हर एक क्वेश्चन में वेरीफाई करना है। मैं इस क्वेश्चन का आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी का आप वेरीफाई खुद कर लेना, हम जीरोज निकाल लेंगे, बस जीरोज निकाल के छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी का वेरीफाई आपको खुद करना है, मैं इस क्वेश्चन का कर देता हूँ। क्या करना आपको, कैसे करना है देखो, इन दोनों का सम कैलकुलेट करो आप। सम क्या आएगा? 1/2 + 1/2, हाफ प्लस हाफ कितना होता है? 1 होता है ना, 1/2 + 1/2 कितना आ जाएगा? 2/2, दैट इज = 1। ठीक, और फार्मूले से सम क्या आता है? -b/a कैलकुलेट करो, ये होता ना सम, -b, ये माइनस मैंने यहाँ लिख दिया माइनस। अब b की वैल्यू देखो कहाँ है, b की वैल्यू ये रही बीच वाली, s का कोफिशियंट क्या है? -4, तो -4 डिवाइड बाय a की वैल्यू क्या है? a होता है s² का कोफिशियंट 4, तो -4 - 4/4, ये कैंसिल 1। देखो आ गया,
दोनों बराबर आ रहे हैं, सम माइनस बी बाय ए। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन वन बाय टू इंटू वन बाय टू, वन बाय फोर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वन बाय टू इंटू वन बाय टू तो वन बाय फोर। और फार्मूले क्या, फार्मूला क्या बोलता है हमारा, सी बाय ए। मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, सी बाय ए। सी बाय ए देखो क्या आएगा, वन बाय फोर। सी बाय ए भी क्या आ रहा है, वन बाय फोर, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो ये हमारी वेरिफिकेशन हो गई, ठीक है। अब जो नेक्स्ट फोर पार्ट है उसमें हम सिर्फ क्या निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे, वेरीफाई आपको खुद करना है। थर्ड क्वेश्चन है, सिक्स एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री माइनस सेवन एक्स, सिक्स एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री माइनस सेवन एक्स, ये चीज है थर्ड। तो पहले तो आपको इसको अरेंजमेंट इसकी सही करनी है। कैसे अरेंजमेंट, पहले तो x की जो सबसे बड़ी पावर है वो टर्म मान लीजिए, फिर उससे कम पावर वाली, फिर उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली, ऐसे चलना होता है, ठीक। इसमें इसको ऐसे लिखो, सबसे पहले सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, वो टर्म पहले। ये तो सही लिखी हुई है, सिक्स एक्स स्क्वेयर। उसके बाद उससे कम पावर वाली कौन सी है, एक्स की पावर दो तो ये रही, एक्स की पावर वन वाली ये टर्म है, तो इसके बाद आप ये लिखो माइनस सेवन एक्स। उसके बाद आप बिना एक्स वाली लिख दो, माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है, लिख दी। लिखने के बाद क्या करना है, ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है और एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। क्या करनी है आपको, मल्टीप्लाई करनी है, माइनस थ्री इंटू सिक्स, माइनस थ्री इंटू सिक्स, माइनस एटीन, ये माइनस सेवन, ये माइनस सेवन मैंने यहाँ लिख दिया, लिख दिया। अब आपको दो नंबर ऐसे चाहिए जिनकी मल्टीप्लीकेशन तो माइनस एटीन आए और जिनकी सिंप्लीफिकेशन माइनस सेवन आए। दो नंबर ऐसे चाहिए जिनकी मल्टीप्लीकेशन क्या है, माइनस एटीन, और सिंप्लीफिकेशन क्या है, माइनस सेवन। तो वो दो नंबर कौन कौन से हैं, माइनस नाइन एंड टू। कौन कौन से हैं वो दो नंबर, माइनस नाइन एंड टू। तो अब क्या करना है उसके बाद, नंबर निकालने के बाद, याद है क्या करना है, इस माइनस सेवन की जगह ये दो नंबर लिखने हैं, सिक्स एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। बीच वाले नंबर की जगह ये दो नंबर एक्स लगा के इनके साथ में, एक्स है ना, तो माइनस नौ लिखा, फिर एक्स, और उसके बाद प्लस टू है तो प्लस टू लिखा, एक्स लिख लिया। पहले दो टर्म देखो क्या कॉमन है, थ्री है दोनों में और एक्स है, थ्री एक्स कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा टू एक्स माइनस, एक्स बाहर आ गया, थ्री बाहर आ गया, तो थ्री, यही ब्रैकेट आप यहाँ लिख दो, टू एक्स माइनस थ्री। अब ये देखो टू एक्स का टू एक्स तो ये पड़ा, इसके साथ बचा क्या, प्लस वन और लिख दो, इक्वल टू जीरो। इन दोनों ब्रैकेट्स में क्या कॉमन है, टू एक्स माइनस वन, टू एक्स माइनस थ्री इसमें भी है, टू एक्स माइनस थ्री इसमें भी है। तो एक बार आप क्या करो, ब्रैकेट वाला लिख दो, एक बार आप जो ब्रैकेट के अंदर नहीं है वो लिख दो, ये थ्री एक्स और प्लस वन, एक बार इसको जीरो कर दो, एक बार इसको जीरो कर दो, टू एक्स माइनस थ्री को जीरो कर दो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी थ्री बाई टू, यहाँ से आप थ्री एक्स प्लस वन को इक्वल टू जीरो कर दो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन बाई थ्री। ये दो चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है, उसके बाद वेरिफिकेशन आप खुद कर लेना, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फार्मूले से मल्टीप्लीकेशन देखो, इन दोनों की ऐड करो, फार्मूले से ऐड देखो, क्या वो दोनों बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे, वो चेक करना आपको, ये होती है वेरिफिकेशन। उसके बाद एक क्वेश्चन है, फोर यू, जो फोर्थ पार्ट है हमारा वो क्या है, फोर यू स्क्वेयर प्लस एट यू, ये चीज है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज निकालना। इसके जीरोज बिल्कुल आसान है, इसमें पहले से ही कॉमन ले लो आप। कैसे निकालोगे, फोर यू स्क्वेयर प्लस एट यू को इक्वल टू जीरो पुट करो, इन दोनों में कॉमन चेक करो क्या है, फोर यू कॉमन है ना, 4u कॉमन है, यहाँ बचा u, यहाँ बचा 2, इक्वल टू जीरो।
इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन जीरो के इक्वल है, इसका मतलब दोनों में से एक तो जीरो होगा ही होगा, फोर यू जीरो होगा या फिर क्या होगा यू प्लस टू जीरो होगा। यहाँ से यू की वैल्यू आपकी जीरो आ गई, यहाँ से यू की वैल्यू आपकी माइनस टू आ गई, बस इतना काम करना था। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको सी चाहिएगा यहाँ पे, जो सी नहीं है ना, ए तो हमारा ये हो जाएगा यू स्क्वायर का कोफिशियंट, बी हमारा यू का कोफिशियंट, जो सी होगा उसके केस में आप क्या कर दोगे, यहाँ प्लस करके आप जीरो लगा लो, बस वो सी हो जाएगा। ठीक है भाई, है ही नहीं तो जीरो तो ऐड कर ही सकते हैं, अब तो सी की जगह जीरो दिख रहा है हमें, तो ये दो आपके जीरोज आ गए इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, टी स्क्वेयर माइनस 15, इसके कैलकुलेट करने हैं आपको। इसमें थोड़ा सा अलग सा मेथड यूज करना है, कैसे करना है, किसी भी नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो ना, कोई भी नंबर है उसके अंदर स्क्वेयर रूट ए है, अगर उसका हम स्क्वेयर करते हैं तो वो अंदर का वाला नंबर आ जाता है, ये तो आप सबको पता है कि स्क्वेयर से ये स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, जो अंदर होगा वो आ जाएगा। ठीक, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, इसको जब ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक बात, तो आप इसको आप ऐसे लिख लो, टी स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 15 का स्क्वेयर लिखा। ठीक है, अब ये देखो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर टाइप लग रहा है, क्या है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसका फार्मूला हमारे पास होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है। ठीक, तो ये देखो इसकी शक्ल ऐसी लग रही है, ए की जगह टी है, बी की जगह स्क्वेयर रूट ऑफ 15, तो क्या जाएगा इसका टी प्लस रूट 15 ए प्लस बी और ए माइनस बी जीरो के इक्वल, क्योंकि हमें जीरोज निकालने, जीरोज निकालने तो वो वैल्यू निकालनी जिस पे ये जीरो हो जाए, तो हमने क्या किया इसको जीरो के इक्वल पुट कर दिया। अब देखो एक बार आप इसको जीरो पुट कर दो, एक बार आप इसको जीरो पुट कर दो, टी प्लस रूट 15 को आप जीरो कर दो, यहाँ से आप टी माइनस रूट 15 को आप जीरो कर दो, यहाँ से टी की वैल्यू माइनस रूट 15, यहाँ से टी की वैल्यू आपकी प्लस रूट 15, ये दो जीरो चल जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो वेरीफाई आपको खुद करना है। उसके बाद लास्ट जो है इसका सिक्स्थ पार्ट, थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस फोर, थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस फोर, ये सिक्स्थ पार्ट, इसके आपको जीरोज निकालने हैं और वेरिफिकेशन करनी है। हमारा काम क्या था, वही काम करना हमें, तो वही क्या काम, ये कांस्टेंट लेना, इस कांस्टेंट की इसके साथ मल्टीप्लाई करनी एक्स स्क्वेयर के कोफिशियंट के साथ, तो माइनस फोर की और थ्री की मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा माइनस ट्वेल्व। ठीक, और एक्स का कोफिशियंट देखना इसमें क्या है, माइनस वन, माइनस वन। अब आपको दो नंबर कोई ऐसे चाहिए, क्या दो नंबर कोई ऐसे जिनकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस ट्वेल्व आए और जिनको सिंप्लीफाई करें तो माइनस वन आए, दो नंबर ऐसे जिनकी मल्टीप्लाई करें तो ये आए और सिंप्लीफिकेशन करें तो ये आए, तो यही नहीं आ जाएंगे, ये थ्री और माइनस फोर नहीं है, थ्री और माइनस फोर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा और दोनों को ऐड कर दोगे तो माइनस वन आ जाएगा, तो आप इस बीच वाले की जगह वो दो नंबर लिख दो, थ्री एक्स स्क्वेयर इस बीच की जगह आप ये दो नंबर x के साथ प्लस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो, इन दोनों में कॉमन देखो क्या, एक तो तीन है एक x दोनों में है, तीन बाहर आ गया एक x बाहर आ गया एक x बचा, ये तीन x बाहर आ गया तो वन बच गया, ये सेम टू सेम ब्रैकेट उठा के यहाँ लिखो, लिखी उसके बाद आपको क्या करना है, x हमारा ये रहा इसके साथ क्या है माइनस फोर, माइनस फोर आप यहाँ लिख दो इक्वल टू जीरो, तो एक बार ब्रैकेट वाला लिख दो नीचे एक्स प्लस वन, ये ब्रैकेट में दोनों सेम है ना, उसके बाद एक बार बिना ब्रैकेट वाला थ्री एक्स माइनस फोर, थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, एक बार इस ब्रैकेट को इक्वल टू जीरो,
और एक बार इस ब्रैकेट को इक्वल टू जीरो, यहाँ से x की वैल्यू माइनस वन, यहाँ से x की वैल्यू 4/3। ठीक है, तो ये थे आज हमारे जो 2.2 का फर्स्ट पार्ट के 6 सब पार्ट थे जो हमने सोल्व किए। अगली वीडियो में हम इसका सोल्व जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो सोल्व करने वाले हैं। तो आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।